हिंद वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग बचपन से, जहां तक छुट्टी के बारे में, छुट्टी को लेकर छात्र काफ़ी उत्सुक रहते हैं, स्वाभाविक है। विद्यालय जीवन में छुट्टी के लिए उत्सुकता साफ झलकती थी। गर्मी की छुट्टी और सर्दी की छुट्टी से आप सभी अवगत होंगे, जाहिर सी बात है। गर्मी की छुट्टी इसलिए कि गर्मी टेम्परेचर और उससे स्टूडेंट को नुकसान ना हो, लू ना लगे, तो लिहाजा विद्यालय प्रबंधन और गवर्नमेंट रिस्क ना ले, वो घर पे रहे, जो भी हो घर पे हो, अच्छी बात है। घर में फैमिली वाले केयर करेंगे, ठंडा में भी उसी प्रकार। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरी सोच है कि बारिश की भी छुट्टी होनी चाहिए। अब एक सवाल बनता है कि बारिश की छुट्टी क्यों? बारिश की छुट्टी इसलिए क्योंकि भारत देश की बात करें या झारखंड राज्य की बात करें, ये कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ यानी कि यहाँ के 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी अपने खेतों पर आस्था रखते हैं। उनका भरण पोषण, उनकी आजीविका, उनका जीविकापार्जन खेतों के माध्यम से चलता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे भी बारिश का जो समय होता है, उसमें आप देखिएगा जो बच्चे होते हैं, जब रोपा का मास होता है, उसमें लगभग एक सप्ताह तक अब्सेंटी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पूर्वजों की धरोहर है वो खेत, जहाँ से उनका आज वो स्कूल तक पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं पेट में अनाज है तभी स्कूल तक जाते हैं, क्योंकि बिना भोजन के भजन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है उनका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, वो खेत से है, वो खेत में सहयोग करने के लिए जाहिर सी बात है जाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य और कृषि को स्थान नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। बहुत सारी ऐसी छुट्टियां हैं जिनमें स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट उन क्रियाक्रमों में शरीक भी नहीं होते हैं। तो ठीक, ये मेरी सोच है कि बारिश की भी छुट्टी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बारिश का महीना और जितना भी पढ़ने वाला, और खासकर कम से कम 9 के बाद, अगर चलिए 8 क्लास तक के बच्चे अगर खेतीबाड़ी में सहयोग नहीं करते हैं, तो ये प्रावधान होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली का सहयोग करेंगे, अपने माता का पिता का सहयोग करेंगे, भाई है तो हल चलाने में, बहन है तो धान रोपने में, अपने परिवार का कृषि के कार्य में सहयोग करेंगे। तो बारिश की छुट्टी, ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार हैं। फिलहाल अभी गला बैठ रहा है और मैं लाइव के माध्यम से आगामी जो भी कार्यक्रम हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि कभी भी पोस्टपोन हो सकता है। हमारा सेहत, हमारी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए आप इस बात बुरा नहीं मानेंगे, जो भी कार्यक्रम है वो कभी भी पोस्टपोन हो सकते हैं क्योंकि हमारी स्थिति सही नहीं है। तो फिलहाल मनसा पूजा, धनबाद बोकारो की बात करें, बाकी तो हम नहीं कर सकते, घूमे नहीं है, लेकिन स्वाभाविक वहाँ भी होगा। ये बड़े धूमधाम से बहुत सारे समुदाय के लोग मनाते हैं, मनसा पूजा कहें, बारी पूजा कहें, ये पर्व मनाया जाता है जब खेतीबाड़ी कंप्लीट होता है। हालांकि इस साल तो खेतीबाड़ी हुआ नहीं है, उस पर एक अलग से हम लोग लाइव बात करेंगे। तो विभिन्न, आज यूनिवर्सिटी में आज भी बहुत सारे संगठन समितियां, पूर्व में भी बहुत सारे संगठन समितियां बाय लेटर लिख कर ये आवेदन दिए हैं कि मनसा पूजा की छुट्टी फिलहाल विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए होनी चाहिए, कृषि आधारित पर्व है। जब कृषि संपन्न होता है तो लोग आस्था रखते हैं कि कोई शक्ति है जिसने कृषि करने में सहायक किया, तो उस माने आस्था के प्रतीक को ये भी कहते हैं कि बारी अर्थात जल, कि समय समय पर जल होते रहे ताकि ये हमारा जो खेती हुआ है वो नष्ट ना हो, वो बढ़िया से फले फूले और हमारा घर परिवार चले। तो ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय प्रबंधन को, छात्र रहें चाहे उनकी भावना, इस क्षेत्र की क्षेत्रीयता का पर्व है, इस पर छुट्टी होना चाहिए। और ऐसे भी विश्वविद्यालय के पास 5 छुट्टियां रहती हैं, तो सरकार के गाइडलाइन के बाद भी 5 छुट्टियां उनके पास रहती है जो वो अपने स्तर से निर्गत करा सकती हैं। तो होड़ वाला बात ठीक नहीं है, होड़ हम लोग हैं, जो विश्वविद्यालय प्रबंधन में बैठे लोग हैं उन्हें स्थानीयता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं उड़ीसा से अगर वीसी साहब आ रहे हैं तो उड़िया भाषा को लेकर आ रहे हैं, बिहार यूपी से डीसी साहब आ रहे हैं तो अपना साला जीजा को मतलब कोयला का खदान में शिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये भाई स्थानीयता की बात कीजिए, आप जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की स्थानीयता को समझिए। हमारे लोग भी महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ महाराष्ट्र के कल्चर का सम्मान करते हैं, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है जो लोग यहाँ आते हैं हमारे कल्चर का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि अपने कल्चर को यहाँ थोपने का काम करते हैं
यही इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज ये आंदोलन उसी के खिलाफ है। हमारे लोग तमिलनाडु में हैं, वहाँ तमिल कल्चर का सम्मान करते हैं, वड़ाकम ओने नाले जो भी है भाई, वहाँ का जो कल्चर उसका सम्मान करते हैं, होना चाहिए। उस प्रदेश ने हमें भोजन दिया, उस प्रदेश ने हमें रहने का ठिकाना दिया, उस प्रदेश ने हमें नियोजन दिया, तो उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन झारखंड में उल्टा होता है। यहाँ लाखों से भी अधिक संख्या में लोग रोजगार पाए हैं, भोजन करते हैं, घर पाए हैं, अपना जीवन का आशियाना ढूंढे हैं, लेकिन फिर भी इस राज्य का सम्मान नहीं करते, यहाँ की संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ की भाषा परंपरा गीत संगीत का सम्मान नहीं करते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि दोहरी नीति चलती है इस राज्य में। बाकी यही लोग अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो डर से कहिए या फिर आदर से कहिए, सम्मान करते हैं वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की भाषा का, वहाँ की परंपरा का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, जो कि दुर्भाग्य। इसीलिए मेरे राज्यवासियों को भी अब अपनी संस्कृति और स्थानीयता को लेकर कट्टर रहना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला दिन हम लोग खिचड़ी बन के रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि उस खिचड़ी में कौन चावल मिक्सअप हुआ है। देखो भाई, अपनी शुद्ध आइडेंटिटी रखनी होगी, अपनी क्षेत्रीय आइडेंटिटी रखनी होगी। तो फिलहाल हमारी बात होगी कि बारिश की छुट्टी पर भी पहा लो, क्योंकि इस साल हालांकि बारिश नहीं हुई है, और मेरे जीवन का इन 29 सालों का पहला इतिहास है कि मैंने बहियार खेत में पानी नहीं देखा। अरे बहियार तो छोरी हेर हेर हम लोग बोलते हैं, जिसमें जोरिया के सामने जो खेत रहता है, हेर में भी पानी नहीं हुआ है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और फिलहाल मनसा पूजा की छुट्टी को लेकर तमाम छात्र संगठन, बहुत सारी समितियां लगातार मांग कर रही हैं, उस आंदोलन का हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन से निवेदन करते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। 5 छुट्टी आपके पास, आपके हैंड में 5 छुट्टी है, उस 5 छुट्टी में आप मनसा पूजा बारी पूजा की जो छुट्टी है उसको सोचें। और फिलहाल उसके बाद करम पर्व भी है, तो करम पर्व पर भी एक विशेष छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड की संस्कृति का पर्व है और बहनें बहुत धूमधाम से मनाती हैं। अगर आप छुट्टी नहीं देंगे तो वो स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन करम पर्व में शामिल होती हैं। अगर इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि क्षेत्रीयता भी कुछ होती है, आप हर चीज़ को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। भारत कभी सेंट्रलाइज होकर नहीं चल सकता है, इसलिए नहीं चल सकता कि सेंट्रलाइज जैसा यहाँ कुछ है भी नहीं। बिना स्थानीयता के, बिना रीजनल के आप सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए रीजनल चीज़ों को भी देखना होगा, रीजनल चीज़ों को भी समझना होगा, स्थानीयता को भी समझना होगा। इसलिए विशेष ज़्यादा नहीं, स्थिति बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत ख़राब है। बाकी जो भी कार्यक्रम है हमारे, उसको कृपया 50-50 में रखेंगे। अगर फिफ्ट है तो आएंगे, नहीं तो फिर 5 दिन पहले सूचना दे देंगे। विकल्प तलाश के रखिएगा, विकल्प हर चीज़ को लेके चलेगा, चाहे जो भी प्रोग्राम है। स्थिति हमारी अत्यंत दयनीय है और इसकी व्याख्या हम नहीं करना चाहते हैं, और आप समझ सकते हैं। मशीन, ये 2 साल हम मशीन से भी तेज चले हैं। जो दौरा मैंने किया है, मैं अपना ये अपने आप को ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं साहब। तो इसलिए अस्वस्थता आखिर इंसान है, थकावट अस्वस्थता जो झलक रही है, दिखाई दे रही है। तो जोहार, जय झारखंड, जोहार।